जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसको दाम के साथ नाम भी मिले, तो ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन काफ़ी प्रयत्न करने चाहिए। रविवार के दिन का उसको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो रविवार का दिन है उसका जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य व्यक्ति को पैसे के साथ में प्रतिष्ठा, नामना, ऐश्वर्य, शोहरत, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को यदि दाम के साथ नाम चाहिए तो उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और इसके लिए उसे रविवार के दिन सूर्य के उपाय करने चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का सूर्य मजबूत हो, उस पर प्रसन्न हो, और व्यक्ति जिस चीज़ की कामना करता है, नाम की और दाम की, ऐश्वर्य की, शोहरत की, प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, ये सारी ही चीज़ें उसको प्राप्त हों। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए कि आपका पैसा मिले, आपका नाम हो, यदि आप इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जगह जगह पर सामाजिक कामों में जा रहे हैं या हर जगह प्रयत्न कर रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि आपको नामना नहीं मिलती है, बहुत मेहनत के बाद यदि आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आप सूर्य का उपाय करें। सूर्य का उपाय करने से व्यक्ति को अति शीघ्र पैसा भी मिलता है और नामना भी मिलती है। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सूर्य का रविवार के दिन का वो उपाय कि जो आपको नामना दिलाएगा, ऐश्वर्य दिलाएगा, शोहरत दिलाएगा, मान प्रतिष्ठा के साथ साथ में धन दौलत भी आपको दिलाने वाला है। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं आपके जीवन में कि आपको ऐश्वर्य मिले, शोहरत मिले, नामना मिले, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बड़ा ही आसान उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि रविवार के दिन, पूरे दिन में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। जो साबूदाना आता है, साबूदाना की आप दूध डाल करके खीर बनाएं, और इसमें आप थोड़ी सी ज़रा सी इलायची डाल दें। इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा, साथ साथ में आपका शुक्र भी आप पर मेहरबान होगा, और शुक्र के मेहरबान होने से आपको भौतिक सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। आपको सौष्ठव मिलेगा, शारीरिक आपको बल मिलेगा, साथ ही साथ आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, आपका रूप आकर्षक हो जाएगा, तेजवान हो जाएगा। रविवार के दिन पूरे दिन में कभी भी आप क्या करें कि एक बार दूध मिश्रित साबूदाना की खीर लें, जिसमें जरा सी आप शक्कर और इलायची मिला दें। इसको लेने से आपका सूर्य बहुत मजबूत होगा, प्रसन्न होगा। एक काम इसके साथ और करें कि रविवार के दिन जिस दिन आप यह उपाय करते हैं, उस दिन आप नमक का त्याग करें। सात रविवार इस क्रिया को करें। रविवार रविवार के दिन करना है, सात रविवार इस क्रिया को करें। रविवार के दिन आप नमक न लें और इस खीर का आप भोजन करें। ऐसा करने से आपका सूर्य अति बलवान होगा, अति प्रसन्न होगा आपको, और आप जो कोई भी काम करेंगे उस काम में आपको यश मिलेगा, साथ ही साथ आपको पैसा भी मिलेगा, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। तो यदि आप आपके जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, नामना कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, और यदि आप अभी तक उससे वंचित हैं, तो सूर्य का ये उपाय करें रविवार के दिन। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ देवता जैसे पूजे जाएंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।